हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विनोद कुमार यादव। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माई ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। एज वी ऑल नो, वी आर डिस्कसिंग इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इन सेकेंड ईयर बैच MSN फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे द एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम में अपन ने मोस्ट कॉमनली सारे डिजीज कवर कर लिए। अब कुछ ट्रीटमेंट मोडलिटीज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट मोडलिटीज क्या होती है, जो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स या पेशेंट को की बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, उन प्रोसीजर्स को ट्रीटमेंट मोडलिटीज के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ट्रीटमेंट में इसके अलावा मेडिकेशंस, सर्जिकल मैनेजमेंट, वो सब भी इंक्लूडेड होता है। तो जैसे अपन बात कर रहे हैं किडनी की, जब किडनी डिजीज़ होती है तो सबसे पहले इफ़ेक्ट होता है किडनी फंक्शन। तो किडनी का फंक्शन क्या होता है, द फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब ब्लड को फिल्टर करना और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालना। क्या होता है किडनी का फंक्शन, सबसे पहले वो फिल्टर करती है ब्लड को और फिर उसका क्या कर देती है, एक्सक्रेशन, मतलब उसको बॉडी से बाहर निकाल देती है। लेकिन अब किडनी काम ही नहीं कर रही है तो फिल्ट्रेशन बंद हो जाएगा, फिल्ट्रेशन बंद हो जाएगा तो एक्सक्रेशन बंद हो जाएगा, और अगर फिल्ट्रेशन बंद हो गया तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ बढ़ने लग जाएंगे, ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स बढ़ने लग जाएंगे, जिसकी वजह से जो अदर कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हो सकती हैं। अब अगर जैसे मान लो किडनी की फंक्शनिंग लॉस हो गई है तो अपन डायूरेटिक्स यूज कर लेते हैं, कुछ अदर मेडिकेशंस यूज कर लेते हैं, कैथेटर लगा देते हैं, पर फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा पेशेंट, फिल्ट्रेशन प्रोसेस वापस रिज्यूम नहीं हो पा रहा है, तो एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जिसको बोला जाता है क्या, डायलिसिस। इसके बारे में आप सब ने सुना होगा बहुत अच्छे से कि डायलिसिस क्या होता है। तो डायलिसिस एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो किडनी का काम होता है ना, किडनी जो काम कर रही होती है उस काम को बाहर एक मशीन से या एक इंस्ट्रूमेंट से अपन करवाते हैं। मतलब ब्लड को बॉडी से बाहर निकालना, उस मशीन के अंदर डालना, उस वो मशीन क्या करती है, उसको फिल्टर कर देती है और फिर उस ब्लड को वापस कहाँ डालना, अपनी बॉडी में, मतलब वेन से बाहर निकालना, मशीन में डालना और मशीन से वापस अपनी बॉडी वेन्स के अंदर वापस रिटर्न कर देना। यहाँ पे जो मशीन होती है उस मशीन को क्या बोलते हैं, डायलाइजर, और जो ये प्रोसीजर होता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलाइसिस। तो जब किडनी काम नहीं कर रही होती है किसी भी कंडीशन में, जैसे क्रोनिक रीनल फेलियर, अक्यूट रीनल फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिस, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही होती है, तो किडनी का काम बाहर एक से एक मशीन ईजाद की गई है, बनाई गई है, उस मशीन के द्वारा किडनी का काम करवाना, मतलब ब्लड को फिल्टर करके एक्सक्रेट करवाने का काम जब अपन करते हैं उस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, डायलाइसिस। और जो ये काम जो मशीन करती है उस मशीन को क्या बोलते हैं, डायलाइजर। तो आज अपन बात करेंगे डायलाइसिस के बारे में। डायलाइसिस में सबसे पहले अपन क्या क्या पॉइंट्स देखेंगे, इंट्रोडक्शन, क्या होता है डायलाइसिस, कैसे काम करता है, इसके बाद क्यों डायलाइसिस की ज़रूरत पड़ती है, क्या पर्पज है या क्यों नीड हुई डायलाइसिस, इसके बाद इंडिकेशंस, क्या क्या कंडीशंस है या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है या क्या बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं कि अब ज़रूरी नहीं है किडनी काम नहीं कर रही हो उसी कंडीशन में डायलिसिस किया जाए। कई बार ऐसा होता है किडनी अपना काम प्रॉपरली कर रही है लेकिन अदर और किसी बीमारी की, जैसे एसिड बहुत ज़्यादा हो गया बॉडी में, तो उस कंडीशन में भी अपन डायलिसिस यूज कर सकते हैं। किडनी तो जितना एक्सक्रिएट कर सकती है उतना ही निकालेगी, लेकिन उसके भी ज़्यादा अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स बनने लग गए, एसिडोसिस जैसे कंडीशन हो जाती है, तो उन कंडीशंस के अंदर भी डायलाइसिस यूज किया जा सकता है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डायलाइसिस, कि डायलाइसिस का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल के बेसिस पर डायलाइसिस काम करता है, कैसे काम करता है, टाइप्स ऑफ डायलाइसिस कितने तरह का होता है, डायलाइजर जो मशीन के बारे में मैंने बताया, और डायलाइजर मशीन क्या होती है, उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि वो ब्लड को बाहर ही फिल्टर कर देती है, जो काम किडनी कर रही है वो काम कर देती है। फिर इसके अलावा रिस्क क्या क्या होती है और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन डायलाइसिस क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं डायलाइसिस के इंट्रोडक्शन पे, व्हाट इज डायलाइसिस।
तो डायलिसिस के बारे में बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि डायलिसिस एक मशीन है जो अपनी बॉडी से ब्लड को बाहर निकाल के उस मशीन में डालते हैं, वो उसको फिल्टर करके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकाल देती है और जो सेफ यानी जो फिल्टर्ड ब्लड है उसको वापस अपनी बॉडी के अंदर डाल देते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डायलिसिस। तो अब डायलिसिस के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। द किडनी फिल्टर यू योर ब्लड बाय द किडनीज फिल्टर योर ब्लड बाय रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस फ्लूड फ्रॉम योर बॉडी। द वेस्ट इज सेंड टू द ब्लैडर टू एलिमिनेट व्हेन यू यूरिनेट। ये अपना सिंपल काम है किडनी का कि किडनी क्या काम करती है, क्या काम करती है? फिल्टर करती है ब्लड को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को और एक्सेस फ्लूड को बॉडी से बाहर निकाल देती है, ब्लैडर को देती है, और ब्लैडर जब अपन यूरिनेट करते हैं तो ब्लैडर एम्प्टी होके उसको बाहर निकाल देते हैं। सेकेंड पॉइंट, डायलिसिस। डायलिसिस परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ द किडनीज इफ़ दे हैव फेल्ड। अगर किडनी फेल हो गई है, किडनी काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में जो किडनी का काम करता है वो कौन है? डायलिसिस। अकॉर्डिंग टू द नेशनल किडनी फाउंडेशन एंड स्टेज किडनी डिजीज फेलियर अकर्स वेन द किडनीज आर परफॉर्मिंग एट ओनली 10 to 15% ऑफ देयर नॉर्मल फंक्शन। जब 10 से 15% ही अगर काम कर रही है तो उसको अपन किस में इंक्लूड कर देते हैं? एंड स्टेज रिनल फेलियर या एंड स्टेज किडनी फेलियर के अंदर अपन उसको इंक्लूड कर देते हैं। तो उस कंडीशंस में अपने को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस इज ए ट्रीटमेंट दैट फिल्टर्स एंड प्योरीफाइज द ब्लड। क्या काम करता है ये? फिल्टर करता है और प्योरीफाई करता है ब्लड को यूजिंग ए मशीन, एक मशीन के यूज के द्वारा। दिस हेल्प्स कीप योर फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन बैलेंस। फिल्ट्रेशन में केवल वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर नहीं निकालता ये, जो इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूड होते हैं अपनी बॉडी में उनको भी बैलेंस, मतलब कंप्लीट जो काम किडनी कर रही है, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वेस्ट प्रोडक्ट्स का, ब्लड प्रेशर का मेंटेनेंस, वो सब काम कौन करेगा? डायलिसिस मशीन करेगी। तो किडनी का नॉर्मल फंक्शन अगर अल्टर्ड हो रहा है, किडनी फेल हो रही है अपने नॉर्मल फंक्शन को करने में, तो वो काम अपन एक मशीन के द्वारा करते हैं और उस मशीन को क्या बोला जाता है? डायलिसिस। समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं अपन, व्हाई इज डायलिसिस यूज। जब अपन ने बात करी कि क्यों ज़रूरत होती है, अभी बताया कि जब किडनी काम नहीं कर रही होती, तो किडनी काम नहीं करेगी तो अपने को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रॉपरली फंक्शनिंग किडनी प्रिवेंट्स एक्स्ट्रा वाटर वेस्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम अक्यूमुलेटिंग इन योर बॉडी। दे आल्सो हेल्प कंट्रोल ब्लड प्रेशर एंड रेगुलेट्स द लेवल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स इन द ब्लड। मतलब जो जो भी काम कर रही है किडनी, एक्स्ट्रा वाटर को, वेस्ट को और कोई भी अदर इम्प्योरिटीज़ है उनको बॉडी में अक्यूमुलेट होने को प्रिवेंट करती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, रेगुलेट द केमिकल्स या इलेक्ट्रोलाइट्स इन द ब्लड, ये जो भी सब काम है वो सब काम जो किडनी कर रही है, अगर वो काम फेल हो जाते हैं, किडनी वो काम नहीं कर पाती है, कांट परफॉर्म दीज फंक्शंस ड्यू टू डिजीज और इंजरी, डायलिसिस कैन हेल्प कीप द बॉडी रनिंग एज नॉर्मली एज पॉसिबल। तो क्यों ज़रूरत पड़ती है? जब किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही होती है तब अपने को ज़रूरत पड़ती है डायलिसिस। इसके बाद अपन बात करते हैं इंडिकेशंस की, किन किन कंडीशंस में अपने को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले कुछ अक्यूट कंडीशंस हैं कि जिनके अंदर अपने को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए एक ओवल मिनोमोइक बनाया गया है, AEIOU। क्या बनाया गया है? AEIOU। ए फॉर एसिडीमिया या मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एसिडीमिया या मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जो वोवल्स होते हैं अपने अल्फाबेटिक में उन वोवल्स के नाम के बेसिस पे इसमें को एक मिनोमोइक बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले ए फॉर एसिडीमिया। एसिडीमिया बोले तो एसिड या मेटाबॉलिक एसिड, अगर अपनी बॉडी के अंदर एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है, एसिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर या मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एसिडीमिया की कंडीशन जिसको बोलते हैं, अगर वो हो जाती है तो वो अपनी बॉडी में बहुत सारे पैथोजेनिक इफ़ेक्ट्स कोज कर सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए और फ्लूड ओवरलोड को प्रिवेंट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? डायलिसिस परफॉर्म करना पड़ता है। सेकंड, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी। जैसे अभी अपन ने बात करी कि अगर इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस करने का काम भी कौन करता है? किडनी। अब मान लो किडनी तो प्रॉपरली काम कर रही है,
किडनी प्रॉपरली काम कर रही है, किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ रहे हैं, क्यों वो उनका रीज़न कोई भी हो सकता है, कोई अदर पैथोलॉजिकल कंडीशन किडनी के अलावा, या फिर उनका बहुत ज़्यादा इनटेक हो रहा हो, कोई भी ऐसी रीज़न जिसकी वजह से बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हो, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, उस कंडीशन के अंदर भी अपने को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एसिडीमिया की कंडीशन होती है तब अपने को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। सेकेंड थिंग, जब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स एबनॉर्मलिटी हो जाए, जैसे हाइपरकैलेमिया, मतलब पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो अपने को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है डायलिसिस की, वैन कम्बाइंड विथ AKA मतलब अक्यूट किडनी इंजरी। तो अक्यूट किडनी इंजरी के साथ अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाए तो उस कंडीशन में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। थर्ड, आई फॉर इंटॉक्सिकेशन, कोई भी जैसे मान लो टॉक्सिक सब्सटेंसेस अपनी बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाए, या किसी वजह से किसी ने टॉक्सिक इंजेक्ट कर लिया हो या इनहेल कर लिया हो, या अपनी बॉडी में ही कहीं से इंटॉक्सिकेशन मतलब जब बॉडी में बहुत ज़्यादा पॉइजनस सब्सटेंसेस जमा होने लग जाएं, जैसे सैलिसिलिक एसिड, लिथियम आइसोप्रोपेनॉल, मैग्नीशियम कंटेनिंग लैक्सेटिव्स एंड इथाइनिल ग्लाइकोल, अगर ऐसे कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा होने लग जाए या जमने लग जाए, या और भी कोई कंडीशन जैसे बॉडी के अंदर ही कोई पैथोफिजियोलॉजी हो गई हो या कोई पैथोलॉजिक कंडीशन ऐसी हो गई है कि जिसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस बढ़ने लगे हैं, तो उस कंडीशन में अपने को भी क्या करना पड़ सकता है, डायलिसिस करना पड़ सकता है। इसके अलावा जैसे फ्लूड ओवरलोड, अगर फ्लूड ओवरलोड हो जाए, बहुत ज़्यादा फ्लूड अपनी बॉडी के अंदर जमने लग गया है, अपन डायुरेटिक्स यूज कर रहे हैं लेकिन उनसे कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या मतलब जो अपन चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, फ्लूड ओवरलोड ट्रीट नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी अपने को डायलिसिस करना पड़ सकता है। एंड ई फॉर यू, ओ फॉर ओवरलोड, यू फॉर यूरेमिया, यूरेमिया मतलब यूरिक एसिड या यूरिया अगर अपनी बॉडी में बढ़ने लग जाए, जैसे सच एज पेरिकार्डाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस, एनसिफेलोपैथी, ये यूरेमिया की कॉम्प्लिकेशंस है, जब बॉडी में यूरेमिया बढ़ने लग जाता है, यूरिक एसिड या यूरिया बढ़ने लग जाता है, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, जैसे पेरिकार्डाइटिस, एनसिफेलोपैथी या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ये सब हो सकता है। तो अपने को इसको प्रिवेंट करने के लिए यूरिया को बाहर निकालना, यूरिक एसिड को बाहर निकालना जरूरी है। तो अगर किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही है, किडनी प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में ये बढ़ सकते हैं और इनकी वजह से अपने को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। इन सब में किडनी फेलियर भी एक रीज़न हो सकता है, एक्यूट किडनी फेलियर या कोई भी एक्यूट इंजरी जिसके अंदर किडनी सही से काम नहीं कर रही है, या फिर और कोई कंडीशन जिनमें किसी में इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ रहे हों, या कोई इनहेल कर लिया हो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, या इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी हो गई हो, या फिर यूरिक एसिड, फ्लूड ओवरलोड, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें या तो किडनी के फेल हो जाने की वजह से या फिर और कुछ पैथोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से अगर ये AEIOU हो रहा है, तो अपने को डायलिसिस करना पड़ सकता है। इसके बाद अपन बात करें क्रोनिक इंडिकेशंस। क्रोनिक इंडिकेशंस मतलब कि किडनी ने काम करना बहुत कम कर दिया है, किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी जो अपना नॉर्मल फंक्शनिंग था वो नहीं हो पा रहा है किडनी का, जैसे GFR अगर 15 ml पर मिनट से कम हो गई है, लेस देन 15 ml पर मिनट से कम हो गई है, वैसे नॉर्मली 125 ml पर मिनट होती है जो GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर मिनट, अगर ये 15 ml से कम हो जाती है, लेस देन 15 ml हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये माना जाता है कि किडनी काम, किडनी पूरी तरह से फेल हो चुकी है, तो उस कंडीशन में अपने को डायलिसिस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस। अब अपन ने देख लिया कि डायलिसिस होता क्या है, डायलिसिस कब ज़रूरत पड़ती है, पर डायलिसिस काम कैसे करता है, कैसे डायलिसिस परफॉर्म होता है, किस प्रिंसिपल पे डायलिसिस काम करता है, तो इसके लिए तीन मेजर प्रिंसिपल्स हैं जो कि आप अपनी बॉडी में नॉर्मली बायोकेमिस्ट्री जब पढ़ते हो तो बॉडी में भी ये सारे
प्रोसेस होते हैं, लेकिन इन्हीं प्रोसेसेस को यूज करके अपन क्या करते हैं, बाहर एक डायलाइजर बनाते हैं जिसमें ये डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये तीनों प्रोसेस होते हैं। इन प्रोसेस की हेल्प से क्या होता है, जो ब्लड है वो फिल्टर होके डायलाइजर में चला जाता है और एक प्योर ब्लड वापस बॉडी में एंटर होता है। तो सबसे पहले डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये तीन ऐसे मेजर प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे डायलाइसिस काम करता है। तो सबसे पहले बात करें डिफ्यूज़न की। सबसे पहले डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न में क्या होता है, डिफ्यूज़न आपने पढ़ा होगा क्या होता है डिफ्यूज़न, मूविंग ऑफ सोल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब सोल्यूट का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना ही क्या होता है डिफ्यूज़न। जैसे मान लो मैंने परफ्यूम छिड़का रूम के एक कॉर्नर में, अभी वो धीरे धीरे क्या होगा पूरे रूम में फैल जाएगा, मतलब जहाँ मैंने छिड़का था वहाँ उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और धीरे 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 वो कहाँ चला गया, पूरे रूम में, मतलब जहाँ हायर थी वहाँ से धीरे धीरे वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला गया। तो ऐसे डिफ्यूज़न होना मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना सोल्यूट का, उसको क्या बोला जाता है डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न में देखें तो वाटर टेंड टू मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, जो वाटर है वो टेंड मतलब उसकी इच्छा होती है कि वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए। तो उसके उस कंडीशन में क्या होगा, अगर जैसे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स या फ्लूड भरा हुआ है, फ्लूड ओवरलोड हो गया है, तो डायलाइजर में ऐसी टेक्निक होती है कि उसके अंदर जो चीज़ें हाई कंसंट्रेशन में होती हैं ब्लड में, वो चीज़ें उस डायलाइजर में लोअर कंसंट्रेशन में होती हैं। तो जो हायर कंसंट्रेशन की चीज़ें हैं वो सब, जो भी इलेक्ट्रोलाइट फ्लूड वो सब कहाँ चला जाएगा, अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब डायलाइजर की तरफ जाना चालू हो जाएगा। तो हायर कंसंट्रेशन ब्लड में होती है और लोअर कंसंट्रेशन डायलाइजर में होती है। तो डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है सेल्यूलोज से बनी हुई है, डायलाइजर के अंदर और कुछ नहीं होता है, उसमें एक मशीन होती है जिसमें क्या होता है बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक तरफ से ब्लड आ रहा होता है और दूसरी तरफ डायलाइजर भरा हुआ होता है और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब इधर से ब्लड जा रहा है तो यहाँ ब्लड है, तो इस ब्लड में जिन जिन चीज़ों की कंसंट्रेशन हाई होगी वो चीज़ें इधर लोअर कंसंट्रेशन रखी जाती है डायलाइजर में, वो सब चीज़ें जो ब्लड में प्रेजेंट होती हैं या अपने को उनको रिमूव करना है, उन चीज़ों की कंसंट्रेशन यहाँ बहुत लो रखी जाती है और ब्लड में उन चीज़ों, ब्लड से अपने को उन चीज़ों को बाहर निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, उन चीज़ों को इधर से इधर आने के लिए टेंड करेंगे कि वो अपनी हायर कंसंट्रेशन के से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएं थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू वो यहाँ से यहाँ जाना चालू हो जाते हैं। सेकेंड प्रोसेस की बात करें, सेकेंड प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर इस डिफ्यूजन में कोई भी ऐसा कंटेंट जिसकी हायर कंसंट्रेशन हो वो सब चीज़ें लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगी। ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फ्लूड फ्रॉम एन एरिया ऑफ लेसर टू एन एरिया ऑफ ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की लेसर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, मतलब सोल्यूट जो घुली हुई चीज़ है उसकी जो कम कंसंट्रेशन है वहाँ से ज़्यादा कंसंट्रेशन, जैसे अपन किशमिश की बात करते हैं, किशमिश के अंदर पानी की मात्रा कम होती है जबकि बाहर पानी ज़्यादा होता है, जैसे अपन किशमिश को पानी के अंदर डालते हैं पानी के कहाँ चला जाता है, किशमिश के अंदर, मतलब किशमिश के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम थी और बाहर ज़्यादा थी इसलिए पानी बाहर से अंदर चला गया। तो ऑस्मोसिस में ऐसे ही होता है और इसमें ऑस्मोसिस कैसे काम करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो चीज़ें या जो सोल्यूट यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है, तो वो क्या होगा पानी इधर से इधर जाना चालू हो जाएगा, क्योंकि अपने को फ्लूड भी बाहर निकालना है, तो फ्लूड भी बाहर निकालने के लिए उन चीज़ों की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होती है और यहाँ पे कम रखी जाती है, यहाँ पे ज़्यादा और यहाँ पे कम, ताकि फ्लूड इधर से इधर शिफ्ट हो सके, तो उसके लिए ऑस्मोसिस यूज किया जाता है। थर्ड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में थोड़ा सा प्रेशर का यूज किया जाता है, इसके अंदर प्रेशर का यूज किया जाता है और वाटर के रिमूवल में ये ऑस्मोसिस से भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वाटर या फ्लूड जो होता है अपनी बॉडी के अंदर, वाटर रिमूवल, उसको हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी वाटर का ही एक्सेस जो होता है उसको रिमूव किया जाता है, ऑस्मोसिस से ज़्यादा इफेक्टिव होता है कौन सा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो तीन चीज़ें होती हैं, कौन सी, फर्स्ट
डिफ्यूज़न, सेकेंड ओस्मोसिस एंड थर्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इन तीन फॉर्मेट्स पे क्या काम करता है, एक डायलाइजर मशीन या एक डायलाइसिस का जो प्रोसेस होता है जिसमें मशीन यूज होती है जिसको डायलाइजर बोला जाता है, उस डायलाइजर का प्रिंसिपल होता है कि वो इन तीन प्रोसेस पे काम करता है। डिफ्यूजन, इसके अंदर सब्सटेंसेज अपनी लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगी। सब्सटेंसेज, जो भी सब्सटेंस ब्लड के अंदर ज़्यादा अमाउंट में है, वो डायलाइजर को इस तरह से बनाया जाता है कि उनके अंदर उसकी कंसंट्रेशन कम रहे। तो जैसे ही वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में आता है ब्लड, और दूसरी तरफ डायलाइजर होता है, एक तरफ होता है ब्लड और एक तरफ होता है डायलाइजर सब्सटेंस, तो उन चीज़ों की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है और अपने यहाँ अपन कम रखते हैं। जैसे अपने को यूरिक एसिड बाहर निकालना है, यूरिया, क्रिएटिनिन, इन सब की कंसंट्रेशन इधर कम होती है, इधर तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी क्योंकि ब्लड के अंदर प्रेजेंट है और अपने को इनको बाहर निकालना है। तो यहाँ जितनी कंसंट्रेशन होगी उससे बहुत कम कंसंट्रेशन अपन यहाँ रखेंगे ताकि वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर सकें। इसके अलावा ओस्मोसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ओस्मोसिस में जो सोल्यूट होता है वो अपनी लेसर से हायर कंसंट्रेशन फ्लूड का मूवमेंट होगा, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर यूज करके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं जिसके अंदर अपन ओस्मोसिस से भी ज़्यादा अमाउंट में फ्लूड अगर अपने को बाहर निकालना है तो ओस्मोसिस से ज़्यादा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू अपन बाहर निकाल सकते हैं। तो ये तीन प्रोसेस हैं जिनके थ्रू अपन डायलाइसिस का प्रोसेस करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ डायलाइसिस की। तो टाइप्स ऑफ डायलाइसिस में मेनली तो दो होते हैं, हीमोडायलाइसिस एंड पेरिटोनियल डायलाइसिस। ये भी हीमोडायलाइसिस के कुछ टाइप है जिनमें बस थोड़ा सा प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, बाकी प्रोसेस सेम ही है। हीमोडायलाइसिस मतलब ब्लड को डायरेक्ट बाहर निकाला जाता है, हीमोडायलाइसिस मतलब जो वेन्स होती हैं या वेन्स और आर्टरीज होती हैं अपनी हैंड की, वहाँ से ब्लड बाहर निकाला जाता है, डायलाइसर में डाला जाता है और वापस यहाँ से इंसर्ट करके जो क्लीन या प्योर ब्लड होता है उसको वापस डाल दिया जाता है। जबकि पेरिटोनियल डायलाइसिस में क्या होता है, अपनी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें पेरिटोनियल जो कैविटी होती है, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूड भर दिया जाता है। जो पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूड भरा हुआ होगा डायलाइजर भर देते हैं, तो ये डायलाइजर क्या करेगा, जो इसके आसपास का नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स जो हैं वहाँ से फिल्टर करेगा। मतलब फिल्ट्रेशन कहाँ होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कौन करेगी, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन और कैपिलरी मेम्ब्रेन्स, वो क्या करेंगी, पेरिटोनियल कैविटी में जो फ्लूड भर देते हैं, मान लो ये पेरिटोनियल कैविटी, इसमें अपन ने डायलाइजर भर दिया और इसके चारों तरफ से बहुत सारी वेन्स, कैपिलरीज जा रही, तब क्या होगा, इनका कंसंट्रेशन वेरिएंट इधर से इधर पेरिटोनियल कैविटी की तरफ होगा, तो इन वेन्स से ब्लड यहाँ प्योर होता जाएगा और वो फ्लो में कंटिन्यूसली बना रहेगा। मतलब इसमें ब्लड को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पेरिटोनियल कैविटी को अपन डायलाइजर फ्लूड से भर देते हैं और वहीं से अपन फिल्ट्रेशन कर देते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हीमोडायलाइसिस की। तो हीमोडायलाइसिस सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड डायलाइसिस प्रोसेस होता है। हीमोडायलाइसिस मोस्ट कॉमनली यूज्ड डायलाइसिस होता है। इसके अंदर मैंने अभी बताया क्या किया जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू एक डायलाइजर होता है जिसमें एक तरफ से ब्लड आ रहा होता है, कहाँ से, अपनी वेन्स या आर्टरीज, वेन से आ रहा होता है, ये ब्लड इधर से आएगा और इधर से वापस वेन में चला जाएगा और एक तरफ क्या भरा हुआ होता है, डायलाइजर। तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उसके थ्रू ये ब्लड यहाँ फिल्टर होता जाता है और ये वापस ये ब्लड में जाता रहता है, ये हीमोडायलाइसिस का प्रोसेस होता है। इसके बाद अपन बात करें हीमोडायलाइसिस में, एक फ़ोटो दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो हीमोडायलाइसिस में कुछ फिस्टुलाज और ग्राफ्ट्स यूज किए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है किसी भी वेन से कहीं से भी निकाला और कहीं पे डाल, अपन पहले क्या करते हैं कुछ फिस्टुलाज और कुछ ग्राफ्ट्स यूज करते हैं, सच एज आर्टेरियोवेनस फिस्टुला। आर्टेरियोवेनस फिस्टुला में क्या होता है, आर्टरी और वेन को आपस में कनेक्ट, जैसे ये आर्टरी और ये वेन है, इनको अपन आगे जाके एनास्टोमोसिस कर देते हैं, दोनों को एक साथ मिला देते हैं, फिर ये आर्टरी और वेन का ब्लड मिक्स हो जाएगा, जहाँ पे वहाँ से अपन ब्लड को बाहर निकालेंगे और डायलाइजर मशीन में डालेंगे और फिर वापस अपन इनको वेन में इंसर्ट कर देंगे। मतलब इन दोनों को ही आपस में जोड़ना है, आर्टरी और वेन दोनों को आपस में जोड़ना है और वहाँ से उसके बाद वहाँ से ब्लड निकाल के डायलाइजर मशीन में डालना है और फिर वापस वेन में। जबकि जो सेकेंड थिंग है ग्राफ्ट,
ग्राफ्ट में क्या करते हैं, जो ग्राफ्ट होता है उसके अंदर अपन बाहर से कुछ दूसरी चीज यूज करते हैं। जैसे मान लो अपन ने कोई और वेन या कोई और ट्यूब ली और उस ट्यूब के थ्रू इन दोनों को जोड़ दिया, मतलब आर्टरी और वेन अपनी नॉर्मल पोजीशन पे प्रेजेंट है, अपन ने बाहर से सेकेंडरी कोई ट्यूब ली और उसको उसके थ्रू आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ दिया, फिर वेन से ब्लड निकाला, डायलाइजर में डाला और वापस इसको वेन में डाल दिया। मतलब इस ब्लड को मिक्स करना ज़रूरी है, तभी तो ये इधर आएगा और वापस इधर चला जाए, क्योंकि ये तो इम्प्योर है, किडनी काम करनी है तो जो आर्टरी में ब्लड है वो भी पूरी तरह से प्योर नहीं है, तो आर्टरी और वेन के दोनों के ब्लड को मिक्स करके उसको बाहर निकाला जाता है और फिर उसको वापस डाला जाता है। और थर्ड है वेस्कुलर एसेस के तहत, इसमें क्या किया जाता है, जो सेंट्रल वेन होती है अपनी, सेंट्रल वेन पता है ना नेक के पास सेंट्रल वेन, उसके अंदर डायरेक्टली वेस्कुलर कैथेटर के थ्रू एसेस करते हैं और वहाँ से अपन ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, उसमें भी एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ से ब्लड जाता है। आगे फोटो से और क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर सबसे फर्स्ट है फिस्टुला। फिस्टुला में ये देखो, यहाँ पे आर्टरी और वेन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया गया है, कोई कैथेटर यूज़ नहीं किया गया, कोई ट्यूब यूज़ नहीं की गई है, डायरेक्ट वेन को आर्टरी से कनेक्ट कर दिया गया डायरेक्ट, और अब इस वेन से अपन ब्लड को बाहर निकालेंगे, डायलाइजर मशीन में डालेंगे और वापस वेन में ही इंसर्ट कर देंगे। जैसे ये सेकंड डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसमें ये वाला है ग्राफ्ट, ये वाला, इसके अंदर क्या किया गया है आर्टरी और वेन दोनों को यहाँ पे एनास्थमोसिस कर दिया जाता है और फिर यहाँ से वापस ब्लड निकालते हैं और वापस इसको वेन में डाल देते हैं। सेकंड ग्राफ्ट, ग्राफ्ट के अंदर क्या किया जाता है, देखो ये अब यहाँ वेन है, यहाँ आर्टरी, इन दोनों को एक ट्यूब से कनेक्ट किया गया, या तो ये स्ट्रेट ट्यूब हो सकती है या फिर एक लूप ट्यूब हो सकती है, कि यहीं से लूप बना के अपन ने दोनों को कनेक्ट कर दिया। अगर किसी ने डायलिसिस का पेशेंट देखा हो तो डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि अपन ने आज फिस्टुला ग्राफ्ट बनाया और कल से डायलिसिस चालू कर देते, नहीं, पहले इसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है, इस ग्राफ्ट या जो ये फिस्टुला बनाया जाता है इसको वो बोल दे दी जाती है पेशेंट को बार बार दबाने के लिए, जो हाथ में ब्लड डोनेट करते तब वो बोल देते हैं ना, तो वो बोल दे के ब्लड के फ्लो को कंटिन्यूस किया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए पहले इस फिस्टुला और ग्राफ्ट को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है और उसके बाद डायलिसिस शुरू किया जाता है। तो ग्राफ्ट जिसके अंदर कोई ट्यूब यूज की जाए, फिस्टुला जिसमें डायरेक्ट वेन और आर्टरी को कनेक्ट कर दिया जाए, और थर्ड था सेंट्रल कैथेटर या वेस्कुलर कैथेटर, इसके अंदर क्या करते हैं डायरेक्ट सेंट्रल वेन से ही कनेक्ट कर देते हैं, वहाँ से सेंट्रल वेन से अब एक तरफ से आएगा और दूसरी तरफ से जाएगा, इधर से निकालेंगे और फिल्टर होने के बाद इधर से ही वापस सेंट्रल वेन में डाल देंगे। इसके अलावा एक फ़ोटो में ये चीज़ और बताई, ये पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, इसके अंदर एक तरफ से अपन फ्लूड डालते हैं और दूसरी तरफ से जो फ्लूड फिल्टर होने के बाद उस फिल्टर्ड फ्लूड को बाहर निकाल देते हैं, उसी ट्यूब के थ्रू बाहर निकालते हैं। जैसे 3-4 घंटे तक अपन ने फ्लूड भर दिया, अब 3-4 घंटे में वो उसने फिल्ट्रेशन करा, अब क्या है एक्सेस जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो पेरिटोनियल या फ्लूड होता है उसके अंदर भर जाते हैं, तो फिर उस फ्लूड को अपन बाहर निकाल देते हैं, इधर से रोक के इसको बाहर निकाल दिया, फिर भर दिया, फिर बाहर निकाल दिया, फिर भर दिया, फिर बाहर निकाल दिया, ये या तो साइक्लिक किया जा सकता है या कंटिन्यूसली किया जा सकता है, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेमोडायलिसिस की कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एट डायलिसिस सेंटर दिस इज़ यूजुअली कैरिड आउट 3 डेज ए वीक, मतलब एक वीक के अंदर 3 दिन भी किया जाता है और लगभग 4 घंटे के लिए, हीमोडायलिसिस की बात हो रही है, 3 दिन हर वीक में, मतलब जो डायलिसिस के पेशेंट है या किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनका डायलिसिस उनको बार बार करवाना पड़ता है, ऐसा नहीं है एक बार करवाया ठीक हो गए, वीक में 3 दिन, कई ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है तो वीक में 4 दिन भी हो जाता है या फिर नॉर्मल है तो वीक में 1 दिन, ऐसा जैसा भी पेशेंट के अकॉर्डिंग, और लगभग 4 घंटे के लिए, एक बार 4 घंटे के लिए पेशेंट को बैठना पड़ता है उस प्रोसेस के अंदर, डायलिसिस के प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट, ये इट कैन ऑल्सो बी डन एट होम, ये घर पर भी किया जा सकता है, जैसे 4 times a week for 4 hours, 5 times a week for 3 hours, 6 days a week for 8 hours or night, जैसा नीड हो, जैसे पेशेंट की नीड हो उसके अकॉर्डिंग अपन कर सकते हैं। तो हीमोडायलिसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, एन आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलाइजर, जो मशीन मैंने बताई
रिमूव वेस्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूड फ्रॉम द ब्लड. द ब्लड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड फिल्टर्ड थ्रू द आर्टिफिशियल किडनी एंड देन रिटर्न टू द बॉडी. जिसके अंदर ये फिस्टुलास, ग्राफ्ट या वेस्कुलर कैथेटर असेस यूज कर सकते हैं. इसके बाद बात करते हैं अपन पेरिटोनियल डायलाइसिस. नेक्स्ट है पेरिटोनियल डायलाइसिस. पेरिटोनियल डायलाइसिस जैसे मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूड भर दिया जाता है और जो इसके आसपास कैपिलरीज, आर्टरीज और वेंस होती हैं उनके थ्रू ब्लड फिल्टर्ड हो जाता है और फिर उस फिल्टर्ड जो एक्स वो फ्लूड होता है उसको थोड़े टाइम के बाद वापस बाहर निकाल देते हैं और नया फ्लूड अंदर डाल देते हैं. ऐसे ही प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है. तो पेरिटोनियल डायलाइसिस यूज्ड इनसाइड लाइनिंग ऑफ योर एब्डोमन या पेरिटोनियम एज द फिल्टर रेदर देन ए मशीन. मतलब मशीन का यूज़ नहीं करना है, अपनी जो पेरिटोनियम है उसी को एक मशीन की तरह यूज कर रहे हैं. उसी की जो मेम्ब्रेन है वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेंगी और वहीं से अपना फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा. जैसे कि किडनी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ टिनी ब्लड वेसल्स मेकिंग क्या बनाती हैं, ग्लोमेरुलस बनाती हैं और वहाँ से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है. वैसे ही यहाँ पे बहुत सारी जो कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज हैं वो कॉन्टैक्ट में आएंगी उस पेरिटोनियल फ्लूड के, या जो डायलाइजर फ्लूड अपन ने पेरिटोनियम कैविटी में डाला है उस फ्लूड से. जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अपना फंक्शन करेगा वहाँ से जो कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस होंगे और उनके थ्रू वो ट्रीट या वो फिल्टर हो सकता है. बिफोर ट्रीटमेंट स्टार्ट्स ए कट इज मेड नियर योर बेली बटन एंड थिन ट्यूब कॉल्ड कैथेटर इज इंसर्टेड थ्रू द इंसिजन इनटू द स्पेस इनसाइड योर एब्डोमन या पेरिटोनियल कैविटी में. मतलब एक कट लगा के अपने एब्डोमन पे और उसके अंदर से एक कैथेटर अपन अंदर डाल देते हैं. फ्लूड इज पम्प्ड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी थ्रू द कैथेटर एज ब्लड पासिस थ्रू द ब्लड वेसल्स लाइनिंग द पेरिटोनियल कैविटी. वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस फ्लूड आर ड्रॉन आउट ऑफ द ब्लड एंड इनटू द डायलाइसिस फ्लूड. डायलाइसिस फ्लूड के अंदर चलाए जाएंगे कहाँ से, फिल्टर होके ब्लड के अंदर से. इसके बाद द यूज फ्लूड इज ड्रेन्ड इनटू ए बैग ए फ्यू आवर्स लेटर एंड रिप्लेस्ड विद ए फ्रेश फ्लूड. मतलब कुछ घंटों के बाद उस फ्लूड को बाहर निकाल लेंगे और फ्रेश फ्लूड अंदर डाल देंगे. चेंजिंग द फ्लूड यूजुअली टेक्स अबाउट 30 to 40 minutes. नॉर्मली नीड टू बी रिपीटेड अराउंड 4 times a day. मतलब 30 से 40 मिनट के बाद उस फ्लूड को बाहर निकाल लेंगे और फिर नया फ्लूड अंदर डालेंगे. ये लगभग 4 बार अपने को एक दिन के अंदर करना पड़ सकता है. इफ़ यू प्रीफर दिस कैन बी डन बाई ए मशीन ओवर नाइट वाइल यू स्लीप. अगर आप जैसे रात को सोने से पहले अपन ने कैथेटर इंसर्ट करके और एक मशीन लगा दी जो कि हर 40 मिनट या 50 मिनट के बाद उस फ्लूड को बाहर निकाल देगी और नया फ्लूड अंदर डाल देगी, तो वो काम मशीन बाहर से बस फ्लूड को अंदर डालना और बाहर निकालने का कर सकती है. बाकी जो काम होगा वो कौन करेगा अंदर, पेरिटोनियल कैविटी. बस क्योंकि अपने को बार बार चेंज ना करना पड़े तो उसके लिए अपन ने मशीन बना ली है जो क्या करेगी, हर 40 मिनट के ऊपर क्या उस फ्लूड को बाहर निकाल देगी जो पहले था और जो नया फ्लूड उसके अंदर डाल देगी. ये पूरी रात अपन कंटिन्यूसली भी रख सकते हैं. इसके बाद देर आर न्यूमरस डिफरेंट टाइप ऑफ पेरिटोनियल डायलाइस. मतलब उसकी कंटिन्यूटी के बेसिस पे कितना करना है, कैसे करना है, इसको कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है. जैसे फर्स्ट कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलाइसिस, CAPD, कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलाइसिस. इसके अंदर क्या होता है, योर एब्डोमन इज फिल्ड एंड ड्रेन्ड मल्टीपल टाइम्स ईच डे. मतलब डाला अपन ने फ्लूड, फिर 40 मिनट बाद वापस निकाल लिया, फिर 2 घंटे बाद वापस अपन ने फ्लूड डाला, फिर निकाल लिया. मतलब एक दिन में 3 से 4 बार रिपीटेटिवली अपन ने फ्लू डाला और बाहर निकाल लिया. नॉर्मली अपन काम भी करते जा रहे हैं और साथ में डायलाइसिस भी हो रहा है, अपन जागते हुए काम करते हुए ये काम कर सकते हैं, ये वाला प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्ट कंटिन्यूस साइकिलिंग पेरिटोनियल डायलाइसिस, CCPD, यूजेस ए मशीन टू साइकिल द फ्लूड इन टू आउट एंड योर एब्डोमेन. मतलब बाहर और अंदर निकालने के लिए अपन मशीन का यूज कर रहे हैं. जैसे इसमें अपन मैनुअली फ्लूड को डाल रहे थे और निकाल रहे थे, ये काम यहाँ पे मशीन करने लग जाएगी. फ्लूड अंदर डालना और बाहर निकालना हर टाइम फिक्स होता है. ये सोते हुए जैसे अभी मैंने बताया पूरी रात अपन फॉलो कर सकते हैं. एंड थर्ड वन इज इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलाइसिस. द ट्रीटमेंट इज यूजुअली परफॉर्म्ड इन ए हॉस्पिटल, दो इट मे बी परफॉर्म्ड एट होम. मतलब
ये हॉस्पिटल में भी किया जा सकता है और घर पे भी किया जा सकता है। इट यूजेज द सेम मशीन एज CCPD, इसकी तरह मशीन यूज होती है, बट प्रोसेस टेक्स लॉन्गर टाइम, मतलब इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मशीनरी और प्रोसेस अपन ने तीन भागों में डिवाइड किया है, CAPD, CCPD एंड IPD। प्रोसेस सेम ही है, कोई चेंज नहीं है, बस ये है कि उसको करने का तरीका अलग अलग, किसी में मैनुअली करें, किसी में मशीन का यूज़ करें, किसी में टाइम ज़्यादा लग रहा है, किसी में कम टाइम लग रहा है। अब नेक्स्ट है हीमोफिल्ट्रेशन। ये सिमिलर ट्रीटमेंट हो टू हीमोडायलिसिस की सिमिलर ही होता है, बस इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, ब्लड इज पम्प्ड थ्रू ए डायलाइजर और ए हीमोफिल्टर इन ए डायलाइसिस, बट नो डायलाइसेट इज़ यूज, मतलब यहाँ पे अब कोई फ्लूड या डायलाइसेट फ्लूड अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। इसके अंदर क्या होगा, ए प्रेशर ग्रेडियंट इज अप्लाइड, जो ब्लड आ रहा है उस पर एक प्रेशर ग्रेडियंट अपन प्रेशर अप्लाई करेंगे, उस प्रेशर के थ्रू ही क्या होगा, जो ब्लड होगा वो फिल्टर होके डायलाइसेट में चला जाएगा या दूसरी तरफ चला जाएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अपन कोई फ्लूड यूज़ नहीं कर रहे, केवल क्या यहाँ पे यूज होगा, ए प्रेशर ग्रेडियंट, या एक प्रेशर लगाएंगे जो ब्लड आ रहा है उस पर, उस प्रेशर के थ्रू ही जो एक्सेस मटेरियल्स और जो एक्सेस फ्लूड है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, डिजोल्व सब्सटेंसेस, ये सब क्या करेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट को फॉलो करेंगे। तो इसमें क्या है, हीमोडायलिसिस की तरह ही होता है, ऐसी मशीन होती है, एक तरफ ब्लड आ रहा है लेकिन पहले यहाँ पे फ्लूड भरा हुआ था, अभी यहाँ पे फ्लूड नहीं है, यहाँ पे क्या है, जो ब्लड आ रहा है उस पर प्रेशर लग रहा है और उस प्रेशर के थ्रू ही इसमें जो भी चीज़ें वो बाहर ड्रैग हो रही हैं। नेक्स्ट अपन बात करें हीमोडाय फिल्ट्रेशन। अब इसके अंदर क्या होगा, हीमोडायलाइसिस और हीमोफिल्ट्रेशन दोनों को यूज किया जाएगा, मतलब फ्लूड भी यूज करेंगे और प्रेशर ग्रेडियंट भी लगाएंगे, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा इफेक्टिवली अपन उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, हीमोडाई फिल्ट्रेशन। मेनली अगर एग्जाम में कभी पूछे तो आप हीमोडायलाइसिस एंड पेरिटोनियल डायलाइसिस इनके बारे में पूछता है, तो उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। ये प्रोसेस ये मॉडिफाइड है, जो अलग अलग प्रोसेस डॉक्टर्स अलग अलग अपनी ऑक्यूपेशन या अपने फ़ायदे के लिए या इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा शो करने के लिए या ज़्यादा स्पीड से पेशेंट्स को रिकवर करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डायलाइजर की, डायलाइजर क्या होता है, डायलाइजर मशीन क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक आर्टिफिशियल किडनी, जिसको अपन बात कर रहे हैं कि जैसे जो किडनी अपनी बॉडी के अंदर काम करती है वो नेचुरल किडनी है, और वैसी ही किडनी अपन ने बाहर बना दी, जो क्या कर रही है, ब्लड को फिल्टर कर रही है, फ्लूड को मेंटेन कर रही है, फ्लूड बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन कर रही है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो किडनी काम करती है वही वाला सारा काम करिए। इसके अंदर क्या होता है, ये डायलाइजर आर मेड ऑफ ए थिन फाइबरस मटेरियल, द फाइबर्स फ्रॉम ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच अलाउज स्मॉलर पार्टिकल्स एंड लिक्विड्स पास थ्रू, मतलब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि स्मॉलर पार्टिकल्स को और लिक्विड को अपने से पास होने देती है, जो कि अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक साइड से दूसरी साइड जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डायलाइसेट या जो डायलाइसिस सॉल्यूशन है एंड योर ब्लड फ्लो थ्रू द डायलाइजर बट नेवर टच, मतलब जो ब्लड और जो फ्लूड होता है वो हमेशा डायलाइजर के अंदर होते हैं लेकिन कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते, इनके बीच में हमेशा क्या होती है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, एक तरफ से ब्लड जा रहा होता है और एक तरफ से फ्लूड जा रहा होता है, और इनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेशर ग्रेडियंट से फिल्ट्रेशन हो रहा होता है। मेम्ब्रेन इन डायलाइजर मोस्टली मेड अप बाय द सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज मेम्ब्रेन होती है, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज की जाती है वो क्या होती है, एक सेल्यूलोज मेम्ब्रेन होती है, जैसे एग्जाम्पल्स सेल्यूलोज डाइएसीटेट, हीमोफेन, पॉलीसल्फोन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कभी एग्जाम में पूछ ले कंपटीशन एग्जाम्स में, विच इज़ द मेम्ब्रेन दैट यूज इन डायलाइजर। तो सेल्यूलोज मेम्ब्रेन ना दे के अगर सेल्यूलोज डाइएसीटेट, हीमोफेन या पॉलीसल्फोन ऐसा भी कुछ नाम दे तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये सब इसी के नाम है जो
नेचुरल है, सेमी या मॉडिफाइड है या सिंथेटिक है, उनके बेसिस पे अलग अलग बनाई गई हैं। अब कुछ रिस्क जो डायलिसिस से एसोसिएटेड होती हैं, कि कौन से रिस्क फैक्टर रिस्क एसोसिएटेड विथ डायलिसिस, कि जब जो डायलिसिस का प्रोसेस हो रहा है इससे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिस्क एसोसिएटेड विथ हीमोडायलिसिस, मतलब हीमोडायलिसिस का जो प्रोसेस है उसकी वजह से कौन से रिस्क फैक्टर्स या कौन से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले लो ब्लड प्रेशर, क्योंकि अपन ने ब्लड बाहर निकाला है, ये ब्लड जो बाहर रहेगा उसकी वजह से अपने ब्लड का प्रेशर कम हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, क्योंकि बॉडी के बाहर जितना अमाउंट भी फ्लूड बाहर निकलेगा उसकी वजह से बॉडी फ्लूड कम हो जाएगा और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा एनीमिया, एनीमिया क्यों हो सकता है, क्योंकि बॉडी फ्लूड बाहर निकलेगा तो उसके साथ आरबीसी वारबीसी सब जा रही है, तो बॉडी के अंदर जो फ्लूड बाहर रहेगा, अब ऐसा तो है नहीं कि 1 से 2 मिनट का प्रोसेस है, 3 3 4 4 घंटे का प्रोसेस चलता है, तो इस प्रोसेस में बाहर जितना फ्लूड होता है वो तो अपनी बॉडी के लिए में काउंटेबल नहीं है, तो जो बाहर होता है उसकी वजह से ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं। आरबीसी मान लो किसी में पहले कम थी, फिर और ज़्यादा अपन ने ये प्रोसेस करा जिसमें ब्लड बाहर निकल गया, तो उसकी वजह से वापस आएगा, लेकिन अभी तो बाहर है ना, तो उसकी वजह से बॉडी को तो फिजियोलॉजिकली ऐसे लगेगा कि हाँ मेरी बॉडी में ब्लड कम है, तो उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, मसल क्रैम्पिंग, फ्लूड ओवरलोड, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस, इन सब की वजह से मसल क्रैम्पिंग हो सकता है, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, प्रोसेस चल रहा है, फिर कोई प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, प्रोसीजर के अंदर है पेशेंट तो स्लीपिंग पैटर्न में भी डिस्टर्ब हो सकता है, इचिंग हो सकती है फिस्टुला आज की वजह से, कंटिन्यूसली 3 4 घंटे का प्रोसीजर है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को इचिंग विचिंग हो सकती है, हाई ब्लड पोटेशियम लेवल, ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम मेंटेनेंस का काम किडनी करती है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए यहाँ पे इतना प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, जो डायलाइजर होता है वो इतना प्रॉपरली नहीं कर पाता किडनी के कंपेरिजन में, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, या पेरिकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशंस हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि यूरेमिया या यूरिक एसिड की वजह से क्या हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो अगर कोई ऐसा एक्सेस या एक्स्ट्रा वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वो अगर अपने ब्लड के थ्रू ऐसे पार्ट्स में चले जाएं जहाँ पे उनको नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे वो कॉम्प्लिकेशन अराइज कर सकते हैं, तो ये ब्लड के थ्रू वहाँ पे जा सकते हैं। सेप्सिस हो सकता है, मे बी चांसेज हैं, फिस्टूला बना हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है बैक्टीरिया में या ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, अगर सेप्टिक टेक्निक्स यूज़ नहीं की गई, ब्लड बाहर आ रहा है फिर वापस जा रहा है, इस दौरान अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट्स अगर इनके कॉन्टैक्ट में आ गए तो इन्फेक्शन हो सकता है। इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट के पास भी वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हार्ट भी इसके लिए कंपनसेशन का प्रोसेस करेगा, तो हार्ट बीट भी डिस्टर्ब हो सकती है, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, ब्लड प्रेशर कम हो गया ज़्यादा, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है। तो ये कुछ रिस्क हैं जो कि डायलिसिस के दौरान हो सकती हैं। इसके बाद पेरिटोनियल डायलिसिस की वजह से क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, एब्डोमिनल मसल वीकनेस, बार बार फ्लूड डाला जा रहा है, निकाला जा रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, उसके अंदर पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूड भरा हुआ है, तो उसकी वजह से जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो अफेक्ट हो सकती हैं। इसके अलावा हाई ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि जो डायलाइसेट होता है इसके अंदर डेक्सट्रोज होता है, तो उस डेक्सट्रोज का एब्जॉर्प्शन हो सकता है और वो कहाँ जा सकता है, ब्लड के अंदर जा सकता है, तो हाई ब्लड शुगर हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, फ्लूड जा रहा है, अगर फ्लूड सोकिंग होने लग गया, स्टोर होने लग गया बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से वेट गेन हो सकता है। हर्निया, अगर अपन पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूड भर रहे हैं तो वो आसपास के जो ऑर्गन्स हैं उन पे प्रेशर डालेगा और उसकी वजह से हर्निया हो सकता है। फीवर, कोई इन्फेक्शन हो जाए जैसे, तो उसकी वजह से पेरिटोनाइटिस, मोस्ट कॉमनली द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस इज पेरिटोनाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियल लेयर, तो उसकी वजह से फीवर हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है, ये सब कॉम्प्लिकेशंस पेरिटोनियल डायलिसिस की वजह से हो सकती हैं। अब इसके बाद अपन बात करें कि डायलिसिस पे पेशेंट की लाइफ कैसी होती है, कैसे
डायलिसिस पे कोई पेशेंट है तो अपनी लाइफ नॉर्मली जी सकता है या नहीं जी सकता, क्या क्या उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कैसे कैसे प्रोसेस हो, क्या क्या चेंजेज उसकी लाइफ में आने होंगे, तो उनके बारे में कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले मैनी पीपल्स ऑन डायलिसिस हैव ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि आपको वीक में 3 दिन 4 घंटे के लिए बैठना होता है, तो आप मेंटेन कर सकते हो। इफ़ यू आर अदरवाइज वेल यू शुड बी एबल टू, अगर आप ठीक हो, अगर बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तो नहीं, लेकिन अगर आप डायलिसिस के बाद नॉर्मल हो तो आप काम कर सकते हो, जैसे कंटिन्यू वर्किंग और स्टडिंग, आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो। बस वीक में जब आपको टाइम दिया जाता है कि आपको इतने दिन बाद इस टाइम पे डायलिसिस के लिए आना है, तो तब आप पहुँच जाओ, बाकी आप अपने नॉर्मल काम कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, हॉलीडेज पे जा सकते हो, पर अपना डायलिसिस का टाइम हमेशा याद रखें, कब कितने दिन के बाद आपको डायलिसिस करवाना है। इसके बाद मोस्ट पीपल्स रिमेन ऑन डायलिसिस फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सारे लोग ऐसे हो जो 10 10 साल, 5 5 साल, 15 15 साल तक डायलिसिस करवाते रहते हैं और नॉर्मल लाइफ जीते रहते हैं। तो द ट्रीटमेंट कैन ओनली पार्शियली कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, तो जो किडनी फंक्शंस हैं उनको कंपनसेट करता है लेकिन कंप्लीटली नहीं कर पाता, तो लंबे टाइम तक नहीं चल पाता, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। हैविंग किडनी दैट डू नॉट वर्क प्रॉपरली कैन प्लेस ए सिग्निफिकेंट स्ट्रेन ऑन द बॉडी, आपकी किडनीज काम नहीं कर रही, आपको बार बार डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, तो ये सब आपको एक स्ट्रेसफुल लाइफ में भी डाल सकते हैं, आपकी लाइफ में इसकी वजह से स्ट्रेस भी हो सकता है। दिस मीन्स दैट पीपल्स कैन डाई वाइल ऑन डायलिसिस इफ दे डू नॉट हैव ए किडनी ट्रांसप्लांट, पर्टिकुलरली एल्डरली पीपल्स एंड दोज हु अदर हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब कोई जिसको हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन या कोई अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स है, वो इसके बजाय किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रिफर करते हैं, क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, बाद जब भी आप जाओगे तो आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर वेरिएशन की वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसको ना प्रिफर करके ट्रांसप्लांटेशन ही को फॉलो करते हैं। तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आ सकती हैं, तो उनके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा डायलिसिस से पहले। तो नेक्स्ट, समवन हु स्टार्टेड डायलिसिस इन देयर लेट 20s कैन एक्सपेक्ट टू लिव फॉर अप टू 20 ईयर्स, मतलब लेट 20s मतलब 25, आफ्टर 25 एंड लेस देन 30, अगर किसी का किडनी फंक्शन लॉस हो गया है और वो डायलिसिस पे, तो मोर देन 20 ईयर्स भी डायलिसिस चला सकता है, बट एडल्ट्स ओवर 75 में सर्वाइव फॉर 2 to 3 ईयर्स, मतलब जो ओल्ड एज हो जाती है, क्योंकि अदर जो बीमारियां हैं, अदर जो कंडीशंस है, बॉडी डिजनरेटिव प्रोसेस में चली जाती है, ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रह पाता, कार्डियक मसल्स भी इतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं, बॉडी मसल्स जो भी होती हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही होती हैं, तो ओल्ड एज में ये इतना इफेक्टिव नहीं होता है, जबकि जो यंग एज है, एडल्टहुड है, उसके अंदर आप कंटिन्यूसली 20 ईयर्स तक भी डायलिसिस पे रह सकते हो। बट सर्वाइवल रेट ऑफ पीपल्स ऑन डायलिसिस हैव इम्प्रूव्ड ओवर द पास्ट डिकेड, कुछ सालों में देखा गया है कि जो सर्वाइवल रेट है, पहले इतने अच्छे तरीके से नहीं किया जाता था, पर धीरे 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 इसमें इफेक्टिवनेस भी आई है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऐसे फॉलो करने लग गए हैं, सेप्सिस का ध्यान रखा जाता है, पहले कॉम्प्लिकेशन से ही डेथ हो जाती थी, अगर डायलिसिस में नहीं हो रही है तो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ हो जाती थी, तो उन सब का ध्यान रख के अपन एक अच्छी हेल्दी और क्वालिटी लाइफ बना सकते हैं पेशेंट की विद द डायलिसिस। तो ये था अपना डायलिसिस का प्रोसेस, जिसके अंदर क्या होता है, जब किडनी फंक्शनिंग नहीं कर रही होती है तो अपन ब्लड को फिल्टर करने के लिए बाहर से एक मशीन यूज करते हैं, उस मशीन को क्या बोला जाता है, डायलाइजर, उसके अंदर अपन थ्रू द हीमोडायलाइसिस, थ्रू द पेरिटोनियल डायलाइसिस करके अपने ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं और एक क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं अपने पेशेंट को। तो ये था डायलाइसिस, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना, नोट्स अच्छे से बना लेना, बहुत बार एग्ज़ाम्स में प्रोसीजर पूछ लिया जाता है, तो आपके ये इम्पोर्टेंट है सेकेंड ईयर में, पीएससी सेकेंड ईयर, ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ लें, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और भी अपने दोस्तों को बताएं,
समझाएं और हेल्प करें एक दूसरे की. थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी. बाय.